हे दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ एंग्री कप्पू, फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। पैडल ग्राउंड्स की मोबाइल इंडिया की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि टेम्प्रेरी डेटा ट्रांसफ़र जो कि 6 जुलाई तक था वो बंद किया जाएगा। तो आज सुबह मॉर्निंग में पैडल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ है उन्होंने उस न्यूज़ को अपडेट किया है। हम उनकी वेबसाइट पर जाके देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो न्यूज़ भी आने के बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा है, नोटिस ऑन टेम्प्रेरी शटडाउन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो अपडेट उन्होंने सुबह आज की डेट में 11:50 को उन्होंने चेंज किया है। तो उन्होंने जैसे यहाँ पे लिखा, मैं पढ़ के सुनाता आपको। स्टार्टिंग डेट ऑफ टेम्प्रेरी शटडाउन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र प्रीवियसली नोटिस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 6 जुलाई टू 9 जुलाई। तो उन्होंने जो टाइम को एक्सटेंड किया है, जो 6 तारीख को शटडाउन होने वाला था टेम्प्रेरी डेटा ट्रांसफ़र, उन्होंने एक्सटेंड किया 9 तारीख को हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया है और करना चाहते हैं तो आपको 4 दिन का टाइम है। आज 5 तारीख है, 6, 7, 8, 9, 4 दिन का टाइम है। आप 4 दिन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आगे अभी पढ़ता हूँ क्या लिखा है। डेटा बैटल ग्राउंड्स, डियर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया फैंस, करंटली क्राफ्टन इज प्रोवाइडिंग डेटा ट्रांसफ़र सर्विस इन ऑर्डर टू सेफली सिक्योर द डेटा ऑफ फैंस फ्रॉम इंडिया, चूँकि हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं टेम्प्रेरी शटडाउन डेटा ट्रांसफ़र। तो उन्होंने देखा पीरियड लिखा है जुलाई 6 को उन्होंने ये किया है, कट किया है और 9 रखा है अनटिल द फर्दर नोटिस। तो बताया गया कि 9 तारीख के बाद टेम्प्रेरी डेटा ट्रांसफ़र बंद किया जाएगा। अभी ये बंद क्यों किया गया है डेटा ट्रांसफ़र, क्योंकि उस दिन जब नया अपडेट आता है तो ह्यूज ट्रैफिक आता है। उसके वजह से क्या हो सकता है कि अगर डेटा ट्रांसफ़र करने में लोगों को दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक बार डेटा ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया तो ऑफिस आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने जो है टेम्प्रेरी बंद किया है, लेकिन बाद में वापस चालू हो जाएगा। क्योंकि उसकी आखिरी तारीख है, अगर हम यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पे आखिरी तारीख लिखी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पे डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट डेटा ट्रांसफ़र। तो सेकंड पे लिखा है कि हाउ लॉन्ग डेटा ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल अंटिल December 31, 2021, ऐसा कहा है। तो आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, मेरा मतलब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर उसके बाद ये बंद किया जाएगा। लेकिन अभी 9 तारीख के बाद टेम्प्रेरी बंद किया जाएगा, क्योंकि ह्यूज ट्रैफिक आता है ऑनलाइन अपडेट के बाद। तो उसके वजह से हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र है उसमें दिक्कत आ सकती है, इसी वजह से उन्होंने टेम्प्रेरी बंद किया है। अब ये कब तक रहेगा वो बता नहीं सकते। यहाँ पे बताया गया है कि डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे अनटिल फर्दर नोटिस लिखा है, मतलब वो बता देंगे कि कब तक होगा ये। तो हो सकता है रॉयल पास जैसे न्यू आता है तो कुछ 1 हफ्ते बाद हो सकता है या 2 हफ्ते बाद जो डेटा ट्रांसफ़र है फिर से चालू हो जाएगा। तो बस यही है और कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया और करना चाहते थे तो अभी भी 4 दिन का टाइम है, तो आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो कुछ समय पबजी पे बैठना चाहते हो, मतलब यूज़ करना चाहते हो, उसके बाद आप जैसे डेटा ट्रांसफ़र फिर से चालू हो जाएगा तो आप तभी भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो यूज़फुल है तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।